सब और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और अभी बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय अपने लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ही ज़्यादा धुंध भी है। और दिया बाती हमारी हो गई है, अभी स्टार्ट होने वाली है वरुण की क्लास, हमारी दिया बाती होगी, आशीर्वाद ले लीजिए आप भी। और अभी वरुण की जो है वो क्लास शुरू होने वाली है, बच्चों को दूध पिला दिया। मैं, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो गया क्योंकि ठंडी हवा भी बहुत चल रही है और कल कपड़े बहुत ज़्यादा धोए थे। कुछ मैंने आज सुबह सुबह दो स्लोट तीन स्लोट मैंने आज सुबह भी धोए हैं, क्योंकि कल वाले जो कपड़े जो मैले थे ना, ऊपर मशीन लगी हुई थी तो मैंने पानी डाल के फिर उनको भी जो है वो साथ साथ में धो दिया। आज धुंध के साथ ना बर्फ़ भी पड़ रही है, मतलब जो कपड़ों पर ना वाइट 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 सा जो बर्फ़ होती है ना वो जम रही है, कोहरा जम रहा है मतलब कपड़ों पर। और मैंने क्या किया कि सुबह सुबह मैंने सारे कपड़े दोबारा बाहर सुखा दिए कि मेरा टाइम जो है अभी मेरे पास है तो वो बच जाएगा, लेकिन वो सारा सब कुछ उल्टा हो गया, प्लान फेल हो गया, चालाकी खत्म, काफी चालाक बनी थी। तो अभी मैं वरुण की क्लास स्टार्ट होगी वो ज्वाइन कर रही हूँ। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया करो, शेयर कर दिया करो व्लॉग को, ताकि बहुत सारे लोग जो है मेरे व्लॉग देख पाए। हेलो हिमांक, हेलो पूछ दे, अरे बंद करो इसको, नहीं नहीं इमाम कटो कटो, अच्छा इमाम ये बोलो कि लाइक कर दो, लाइक कर दो भाई। तो जी अभी जो है टाइम हो गया, दोपहर के बज गए हैं 12, वरुण की क्लास ख़त्म हो गई है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल के पराठे। कल रात को ये दाल बच गई थी तो उसी दाल को इसमें भिगो रही हूँ, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और थोड़ा सा हल्का गर्म पानी मैंने ले लिया है। और जो भी दाल डालो आप उसके बाद पानी डालो तो बहुत ही मतलब हल्के हल्के हाथों से डालना है, थोड़ा थोड़ा बस हाथ गीले गीले करके करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ऐसा ना हो जाता है बहुत बार कि आटा जो है पतला हो जाता है, तभी बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं पराठे बनाने की। और खाना वाना हमने खा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ पानी गर्म नहाने के लिए, हिमांक नहाएगा इस पानी से, उसके बाद वरुण का लगा दूँगी। पानी गर्म होगा तब तक मैं झाड़ू वगैरह वो निकाल लूँगी, बिस्तर भी नहीं उठाई मैंने, वो भी मैं उठा दूँगी, क्योंकि जो है वरुण बिस्तर में बैठकर पढ़ाई कर रहा था इसलिए। और अभी ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह धुंध था एकदम कोहरा और पाला जमा हुआ था, मतलब कपड़ों पे सुबह मैंने कपड़े बाहर सुखाए जो कल धोए थे तो उन पर जो है वो पाला जमा हुआ था, बर्फ़ जैसा जो होता है ना वो जमा हुआ था एकदम। तो जी यहाँ पर जो है सबका ना अपना अपना काम करने का तरीका होता है, कोई कैसे मैनेज करता है काम को, कोई कैसे मैनेज करता है काम को, तो किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, किसी की मतलब ये नहीं है देख कर ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब मैं भी ऐसे कर लूँ मैं भी वैसे ही कर लूँ, नहीं, जिसका जैसे कंफर्टेबल होता है ना इंसान को अपना काम उसी टाइम के हिसाब से वैसे ही करना चाहिए। रीस करने से ना घर बर्बाद ही होते हैं, घरों में ना झगड़े ही होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो रीस तो बिल्कुल भी करनी ही नहीं चाहिए, कोई कैसे ही काम करता है कोई कैसे ही काम करता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है कोई ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है, कोई हल्के कपड़े पहनता है, तो किसी भी काम की जो है वो रीस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने घर का ब्योत देख कर, अपना घर का गुजारा देख कर जो है वो घर का जो गुजारा कर अपना जो है वो करना होता है। तो अभी यहाँ पर वरुण ना बिना कहीं मेरी हेल्प करा रहा था, उसने कंबल की तह बनाई, छोटा बच्चा है उसको बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की, जैसे वो बना सकता है उसने बनाई। और जो है ये देखो यहाँ पे भी ये इसको चेयर्स वगैरह को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और मेरा झाड़ू जो है वो पूरा हो गया है। तो जी मेरा ना झाड़ू जो हो गया है कम्प्लीट। और ना इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे अभी हर चीज़ को ना मैनेज करने का एक तरीका होता है, मैं अकेली हूँ, घर इतना बड़ा है, बच्चे भी दो दो हैं, तो मैं एक वीडियो की एडिटिंग वरुण की जो क्लास होती है एडिटिंग तब करती हूँ, मतलब क्लास होने से पहले करती हूँ, जब क्लास रहती है क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपलोड करती हूँ, और दूसरी जो है मेरा व्लॉग जो जाता है मेरे इस चैनल पर, इस सोनी वाले चैनल पर जो मेरा व्लॉग जाता है उसकी एडिटिंग और सारी चीज़ें जो है मैं बैठ कर वॉइस ओवर जो है वो मैं करती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास यहाँ जाती हूँ ना तो वर आधा घंटा वर हिमांक जो है वो अंदर अपना प्रैक्टिस करवा रही होती है मैम, और मैं बाहर बैठती हूँ तब उस टाइम पे करती हूँ। तो भाई सबका ना अपना अपना वो होता है, किसको किसी टाइम पे टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता, कोई अच्छा करता है, किसी को बहुत अच्छा करना आता है, किसी को कम अच्छा करना आता है, तो जिसको नहीं आता वो तो मतलब
रीस करो, अच्छे काम की मत करो, मतलब ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की मत करो कि महंगे कपड़े पहनने हैं, ये पहनना वो पहनना है, इसके पास ये है उसके पास वो है, तो इन चीज़ों की रीस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें जो जो हैं वो घर बर्बाद कर देती हैं। तो यहाँ पर भी देखो कि मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं, जो बेडशीट वगैरह है, और आज सुबह जो मैंने 3 स्लॉट धोए थे ना, वो वाले कपड़े मैंने सुखा कर रखे हुए हैं, कुछ कपड़े ऊपर सुखा के रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले मैं हिमांग को नहलाऊंगी, और नहलाने के बाद जो उसको तुरंत मैं थोड़ी देर के बाद ही मैं सुला दूँगी, और फिर जो मेरा किचन का पोछा लगाना और किचन का काम जो है बर्तन वगैरह साफ़ करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में करूँगी। क्योंकि देखो वरुण की क्लास शुरू होती है 9:30 बजे और 12 बजे तक कोई ना कोई क्लास रहती है, 9:30 से 10:30 तो क्लास है ही है, और उसके बाद क्लास कौन सी कब होती है तुरंत मैसेज आता है, उससे पहले कोई मैसेज नहीं आता। हिंदी और मैथ वाली मैडम एक ही हैं, तो उनका मैसेज तो सुबह आ जाता है, कभी 7 बजे कभी 7:30 बजे तक मैसेज जो है वो आ जाता है मैम का। दोपहर के बज गई हैं 3 बजने वाले हैं, और हिमांक गया है सो, वरुण बाहर टीवी देख रहा है, और गर्मी हद से ज़्यादा हो गई है, और अभी सिर्फ मेरा किचन का काम रहता है, किचन में मतलब बर्तन वगैरह क्लीन करना, स्लैब वगैरह क्लीन करना, सब कुछ रहता है, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक, और झाड़ू पोछा हो गया, वरुण की क्लास हो गई, एक वीडियो की एडिटिंग करनी थी बीच में वो भी हो गई है। अब सबसे पहला काम जो है वो मुझे करना है, पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, गर्मियों वाला सूट पहनूँगी, ये वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई अब मेरे से, फिर ऊपर जो कपड़े सूख गए उनको उतारूँगी, और जो नहीं सूखे उनको अलट पलट जो है वो करके आऊँगी, और जो सूख गए हैं आने के बाद उनकी तय करूँगी, अगर तय नहीं हो पाई तो कुछ कपड़ों को प्रेस करनी है वो करूँगी, जैसा भी है देखते हैं भाई। सबसे पहले मैं अपना हुलिया चेंज कर लूँ, मतलब जो है कपड़े चेंज कर लूँ मैं अपने, क्योंकि मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और फिर चलते हैं भाई ऊपर, क्योंकि अभी मेरे को सांस आया, मेरा लाल सोया है अभी, और वरुण को पढ़ाना भी है, तो काम यार इतने सारे पड़े हैं, अगर आज इसके पापा आ गए हिमांग के तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, नहीं तो अगर रात को ठंड कम हुई तो मैं रात को पढ़ाऊँगी वरुण को, लेकिन पढ़ाना ज़रूर है, देखते हैं यार जैसा भी करना, क्योंकि किचन में बहुत काम फैला पड़ा, किचन में कम से कम मेरे को आधा घंटा ज़रूर लगेगा, जल्दी जल्दी निपटाऊँगी मैं। तो जी जितनी ना ठंड हो रही थी ना उतनी ही अचानक फिर से गर्मी हो गई, और मैंने सबसे पहले चेंज किए कपड़े, मतलब मोटा कपड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी जलन हो रही थी पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर जो कपड़े सूख गए हैं वो मैं उतार रही हूँ, और जो नहीं सूखे उनको अलट पलट करूँगी, और जो हल्के बहुत मतलब 2-4 मिनट की और धूप जिनको बाकी है उनको भी अलट पलट करके जो सूखे हुए कपड़े उतारूँगी, तब तक उनमें भी अच्छे से धूप लग जाएगी, और उसके बाद उनको भी उतार लूँगी। आप देखना कितना मैंने कपड़े धोए थे, कितने मैं राउंड में लगाऊँगी, नई बार जो है मेरे चक्कर कटे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, क्योंकि 3-4 दिन की ये बारिश ने ना बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, बहुत कपड़े गीले हुए हैं, बच्चों ने बहुत कपड़े ख़राब किए हैं, तो एक चक्कर ये मेरा हुआ, और एक चक्कर कटवा के अभी आ गए दूसरा चक्कर, अभी तो बहुत कुछ दिखाऊंगी, मैंने अंदर भी सुखाए हैं भाई बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं, और यहाँ पर जो 2-4 मिनट की धूप जिनको चाहिए थी ना उनको मैं लट पलट कर रही हूँ, और उसके बाद जो है साथ साथ में जो सूख गए हैं उनको मैं उतार लूँगी, बस यहीं पर अलट पलट करना बाकी है थोड़ा सा, यही टाइम जो मेरे पास होता है काम को करने का, अदरवाइज़ अभी ये काम करते करते मेरे को यूँ मान लो शाम के 4 बज जाएंगे, 4:30 का जो है आसपास का टाइम हो जाता है, और 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे मैं चाय वगैरह पीती हूँ, और उनको थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ, अगर हिमांग सो के उठ गया तो पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार मैं परेशान भी हो जाती हूँ, बहुत बार चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आसानी से हैंडल हो जाती हैं, तो लाइफ जो है वो ज़िंदगी जो है ऐसे ही चलती रहती है, और ये 2 दरियाँ जो है ऊपर हम यूज़ करते हैं, ऊपर हम जब हम बैठते हैं ना तब यूज़ करते हैं, तो इनको भी मैं जो है वो धूप लगा रही हूँ, और ये भी फैला रही हूँ, बस 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की धूप लग जाएगी तो ये जो है अच्छे से जो है वो सूख जाएंगे। अभी जो आगे ग्रिल पर भी मैंने सुखा के रखे हुए हैं उनमें से कुछ मैंने उतार लिए थे, कुछ अभी मैं उतार रही हूँ,
जो सूख गए हैं, और जो जिनको अलट पलट करना है जीन्स वगैरह उनको भी अलट पलट कर लूँगी। और हिमांग के पापा आने से पहले ये मेरे को उतारने हैं, क्योंकि ग्रिल पर जब मैं कपड़े डालती हूँ ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको मतलब उनको इतना वो नहीं है कि अगर ग्रिल पर कपड़े डाले तो वो गुस्सा करते हैं, सच कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि नहीं, वो मतलब उनको पसंद नहीं है ये वाली चीज़। मतलब कपड़ों के लिए हैंगर है, आपने रस्सियाँ बांधी हुई है तो उन पर सुखाओ, ये सामने ग्रिल पर कपड़े मत सुखाओ, भद्दा लगता है, इतना बड़ा घर बनाया है, इतना अच्छा डिज़ाइन ये वो, फिर ऊपर से आपने ये कपड़े सुखा दिए, तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं होती हैं। तो मैंने फटाफट से उतार लिए हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और इस वाली ग्रिल पे तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कपड़े सुखाए हैं, हो ही इतने गए थे कपड़े, और सुबह तो पाला जमा हुआ था कपड़ों पर बहुत ज़्यादा, मैंने जल्दी जल्दी में सुखा तो दिए, चालाकी तो मैंने करी, मैं कहा मैं सुखा देती हूँ वरुण की क्लास होने से पहले, लेकिन पाला ऐसा जम गया जो है, सुबह उठते ही मैंने ट्राई तो बहुत कुछ किया था करने का, लेकिन पाला जम गया था तो उसकी वजह से जो है बहुत कुछ हो गया था। अभी देखो इनमें से कपड़े जो इनको थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत थी वो भी मैंने उतार लिए, अभी वॉशिंग मशीन को भी मैं धूप में कर दूँगी थोड़ी देर के लिए खड़ा। तो जी 5 से 6 चक्कर मैं नीचे के काट के आ चुकी हूँ, मतलब राउंड के नीचे जा के कपड़े रख के आई हूँ, मशीन को धूप लगा दी है, और साथ में अभी 1 राउंड के कपड़े रहते हैं, ये अभी दिखाती हूँ, मशीन को लगा दी धूप, अभी ये कुछ देर धूप में रहेगी 15-20 मिनट, और कुछ कपड़े अभी ऐसे हैं जो 15-20 मिनट धूप में रखूँगी ना, जैसे वाइट कपड़े हैं ये सारे, इस पे हैं सारे वाइट कपड़े, और कुछ कपड़े ये सारे डस्टिंग के कपड़े हैं, ये भी धोए थे मैंने, तो उधर हैं, उधर भी धूप है इसलिए वो उस तरफ है, ये बीच में धूप नहीं है ना, तो ये है, और एक स्लॉट पूरा जो है नीचे सुखाया हुआ था वो बाहर चारपाई पे रखा हुआ है, उसको भी उठाऊंगी भाई, और अभी चलते हैं नीचे। सिर्फ यही कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये देखो पूरी भरी पड़ी है, ये कितने सॉक्स हैं, ये देखो कितने सॉक्स हैं, भरी पड़ी है ये संदूक, इनके तो मैंने धूप नहीं लगवाई भाई, अपनी हिम्मत नहीं है, सूख गई है वैसे, और फिर मैं वैसे भी पता क्या करती हूँ, जब भी धूप लगवाती हूँ ना कपड़ों में ना, सॉरी जब भी बच्चों को नहलाती हूँ तब जो है नहलाने से पहले मैं कपड़ों को धूप लगाती हूँ, तो वैसे तो ये सूख गई हैं अच्छे से, तो जब कपड़ों को धूप लगाऊंगी कि जोड़ी सॉक्स को भी मैं जो साथ में धूप लगवा दूँ, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो है मैं करूँगी बर्तन साफ, मैंने पानी गर्म कर लिया है, और बाहर का ये वो स्लॉट दिख रहा है वहाँ पे, देखिए धूप की वजह से दिख नहीं रहा, तो वहाँ पे भी रखे हैं, वहाँ से भी उठाऊंगी मैं, और अभी व्लॉग का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, जो फर्स्ट टाइम विजिट करा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वैसे ना अभी मेरा फ़ोन का चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो गया है, मुझे लगा था मेरे साथ धोखा हो गया बहुत बड़ा, मुझे लगा था कि मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है, बीच में तो हिमांग ने ले लिया, और उस टाइम पे तो चार्जिंग पे था, बाद में चार्जिंग पे लगाया तो बटन ऑन करना मैं भूल गई जल्दी जल्दी में, तो फ़ोन बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, तो अभी चार्जिंग पे लगाऊंगी बर्तन, तब जाके किचन साफ करूंगी, और फिर जो है वरुण को पढ़ाने का देखूंगी भाई, कपड़ों की तय तो बनेगी तो बनेगी, नहीं तो नहीं, फिर एक कप जो है एनर्जेटिक चाय पीऊँगी, मैं थक गई हूँ बहुत, तो भाई बाय, और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, बाय।